हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिलेंड्रिकल लॉक के ऊपर कि हम सिलेंड्रिकल लॉक को कैसे लगाएं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सिलेंड्रिकल लॉक को लगाना बहुत ही आसान है। जो भी कोई बिगनर्स हैं या जो सिलेंड्रिकल लॉक को पहली बार लगाते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके दो कारण हैं। सबसे पहला, ये लॉक का इतना बड़ा तामझाम, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, इतना बड़ा मैकेनिज्म, और ऊपर से इसमें कहीं भी स्क्रू या फिर बोल्ट दिखाई नहीं देते हैं जिसको हम खोल सकें। तो ये समझ में नहीं आता है कि इसको खोलना कहाँ से है, कैसे पैक करना है, क्या करना है। मैं आज आपको 5 इजी सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप इस लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सिलेंड्रिकल लॉक मैं आपको नए दरवाजे पे लगाना नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका पुराना सिलेंड्रिकल लॉक है, अगर वो टूट गया है या फिर खराब हो गया है, तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए चेंज करते हैं अपने लॉक को। जब भी आप कोई सिलेंड्रिकल लॉक लेंगे तो उसके अंदर आपको 5 चीजें आएंगी। सबसे पहले तो ये रहेगा आपका सिलेंड्रिकल लॉक, ये बिल्कुल पूरी असेंबली के साथ में आएगा। इसके बाद में आपको मिलता है एक लैच, इसकी कीज, और ये जो है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये बॉक्स है। तो ये अलग अलग प्रकार के कैसे भी बॉक्स आपको मिल सकते हैं अलग डिज़ाइन में, जिसमें एक पिन और कुछ स्क्रू आते हैं। और ये है हमारा ब्रैकेट जिसके अंदर हमारा है लैच फिक्स होता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 250 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप गोदरेज का भी लेंगे तो वो आपको कुछ 700 से लेकर 900 रुपये के बीच का आ जाएगा। ये मैंने हार्डवेयर की शॉप से कुछ 300 रुपये का लिया है। तो सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल लॉक को खोलते हैं जो कि हमारे डोर में लगा हुआ है, उसके बाद हम इसको खोल के फिक्स करेंगे। सिलेंड्रिकल लॉक खोलने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पेचकस और एक पिन। हमें प्लायर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें प्लायर से पिन को पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी पिन मुड़ जाएगी। तो ये है मेरा सिलेंड्रिकल लॉक जो मेरे को रिप्लेस करना है। इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो चाबी वाली साइड है, ये मैकेनिज्म को हमें कभी टच नहीं करना है, इसको हम नहीं छुएंगे। हमें बैक वाला मैकेनिज्म हमेशा खोलना है जिसमें चाबी नहीं रहती है, इसको हम लोग खोलेंगे। अब आपको इसके अंदर कोई भी स्क्रू या फिर नट खोलने के लिए दिखाई नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसे कि हम अपने मोबाइल में से सिम बाहर निकालते हैं, तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि मोबाइल के अंदर हम पिन इंसर्ट करते हैं तो सिम की ट्रे बाहर आ जाती है। सेम इसमें भी हमें वैसे ही करना है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसके अंदर हम पिन इंसर्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा बाहर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 इजी स्टेप्स हैं जिससे हम अपने लॉक को खोलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसमें पिन इंसर्ट करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो यह है मेरी पिन जिससे मैं इसको खोलूंगा। पकड़ अच्छी बने इसलिए मैं प्लायर का यूज कर रहा हूं। देखिए ये है, अगर आप इसको हल्का सा घुमाएंगे तो आपको पिन इंसर्ट करने का एक जगह मिल जाएगा, उसके अंदर आपको एक पिन इंसर्ट करना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसके अंदर पिन इंसर्ट किया, ये आपका ये बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप होता है कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमको ये पोर्शन खोलना है। अब इसको आपको खोलने में 2 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। क्यों? देखिए, इसमें कहीं भी स्क्रू नहीं है, इसको आपको हाथ से ही खोलना है। तो क्या होता है, 8 साल 10 साल में बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, तो एक WD-40 आता है स्प्रे, वो आप WD-40 डाल देंगे तो हल्का सा ये ढीला हो जाएगा, फिर अगर आप आधे घंटे बाद ट्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी WD-40 इसमें 15 मिनट पहले डाला था, और अब अगर मैं इसको खोल के देखूंगा, रुकिए मैं जरा इसको खोलता हूँ थोड़ी ताकत से। ये देखिए, ये मेरा खुल चुका है, ये दिख रहा है आपको? थोड़ा ज़रा मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसके अंदर पूरा जंग लग जाता है, अगर आप देख पा रहे हो साइड साइड में, तो ये पूरा रस लग जाता है जिसके कारण ये खुलता नहीं है। तो अगर आप थोड़ा WD-40 डाल देंगे तो ये इजीली खुल जाएगा। अब थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है कि ये आपको दिख रहा है 2 स्क्रू, ये हमको 2 स्क्रू खोलना है, और ये वाली जो प्लेट है ये हमको बाहर निकालना है, ये 1 और ये 2 बहुत आराम से खुल जाएंगे, और फिर ये प्लेट हम बाहर निकालेंगे हमारे थर्ड स्टेप में। अब ये जो प्लेट है ये हम बाहर निकालेंगे, तो यहां पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये जो लॉक है हमारा, अब आपको सिर्फ इसको बाहर खींचना है, ऐसे हिला हिला के। ये देखिए, जैसे मैं खींच रहा हूं, ये देखिए। अब मैं थोड़ा ज़रा आपको कैमरा मोड़ के दिखाता हूँ, ये मेरा लॉक पूरा बाहर निकल चुका है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाबी वाले जो पोर्शन है उसको हमें खोलना नहीं है, इस मैकेनिज्म का कुछ नहीं करते हम, हम सब कुछ वो करते हैं जहां पे चाबी नहीं होती है। तो अब मेरा ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया है, अब मेरा बचा है सिर्फ लास्ट स्टेप। अब जो हमारा लास्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग इस लैच को खोलेंगे। इसके हमने स्क्रू खोल लिए, अब इसको कैसे बाहर निकालते हैं ये मैं जरा आपको बताता हूं। तो ये मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहां पे निकला हुआ पीछे कुछ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक उंगली से सिर्फ यहां से प्रेस करना है पीछे से, और ये देखिए ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये भी हमारा बाहर आ गया है। ये था हमारा फिफ्थ स्टेप, जो कि हमारे पूरे पांच स्टेप अब कंप्लीट हो गए और हमारा पूरा सिलेंड्रिकल लॉक अब खुल चुका है। अब हम लगाते हैं इसमें नया सिलेंड्रिकल लॉक। अगर अब आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं, और जो लॉक के साथ ही नया वाला आया है इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मगर मुझे इसको खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि ये चलेगा अभी, तो मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तब फिर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारे लॉक्स हैं, ये मेरा पुराना लॉक था जो कि मैंने अभी खोला है इसको, ये देखिए, और ये रहा मेरा यहाँ पर नया लॉक। अब इसको हमें फिट करना है, तो फिट करने के लिए जैसे पहले हमने उसको खोला था इसको हम वैसे ही खोलेंगे। तो चाबी वाला जो पोर्शन है इस मैकेनिज्म को हम छोड़ देंगे, हमें खोलना है ये। तो ये हमारा लॉक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमें पिन इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जरा मैं पिन इंसर्ट करके इसको खोलता हूँ, ये देखिए ये मैंने पिन से इंसर्ट कर दी इसके अंदर। ये देखिए ये खुल चुका है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये लैच फिट कर देंगे। इसको लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो हमारा लॉक है इसका हम ये वाला पार्ट खोल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया, ये देखिए। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो लैच की जो पत्ती आपको दिख रही है इसके सामने आना चाहिए। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा दिखे, वहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा और ये जो पत्ती है ये इसके अंदर आ जाएंगी। ये देखिए ये मैंने लॉक इंसर्ट किया और ये देखिए ये पत्ती में फिट हो चुका है, ये दिख रहा है आपको। बस ये लॉक अब मेरा फिट हो चुका है। अब मैं आपको जरा आगे से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा लॉक फिट हो चुका है। अब जो हम काम करते थे हमारा वही है कि ये जो प्लेट है इस प्लेट को हम यहाँ पर लगा देंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब मैं इसको यहां पे लगा दूंगा। अब लास्ट में हमें यह लगाना है, यह कैसे लगाना है यह मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे। तो इसके अंदर आपको यह वाला ब्रैकेट दिख रहा है, यह खांचा इसके अंदर लगाना है, इसके अंदर प्रॉपर जाना चाहिए। देखिए यह मैंने इसको लगाया, अब आपको दिखा। बस अब मैं इसको अंदर पुश करूंगा, बस अब ये मेरा फिट हो गया पूरा अच्छे से। ये जो मेरा लॉक है अब पूरी तरीके से लग चुका है, ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बंद चालू। तो आपने देखा कितना आसान है ये सिलेंड्रिकल लॉक लगाना। एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, इसके लिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो आप इसको 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा लॉक लगा सकते हैं। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तब फिर आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।